मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ हल्ला बोल। ब्रिटेन की मशहूर पुलिस दंगाइयों के सामने बेबस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, जिसको लेकर ब्रिटेन में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन जल रहा है, ब्रिटेन में हिंसा ऐसी हो रही है कि पूरे देश में उत्पात मचा हुआ है। कभी दुनिया पर राज करने वाला द ग्रेट ब्रिटेन इन दिनों में दंगे की आग में झुलस रहा है। सड़कों पर तलवारें, चाकू, कुल्हाड़ी, बंदूक लेकर लोग घूम रहे हैं। पिछले कई दिनों से ब्रिटेन में अराजकता का माहौल देखा जा रहा है। पिछले दिनों ब्रिटेन में एक डांस क्लास में चाकू से हमला किया गया, जिसमें 3 लड़कियों की मौत हो गई, जिसके बाद ये कहा गया कि इन 3 बच्चियों की हत्या एक मुसलमान ने की है। फिर क्या था, जैसे ही ये खबर सामने आई, ब्रिटेन के लोग सड़कों पर उतर आए और ब्रिटेन में बाहर से आकर रह रहे मुसलमानों पर हमला बोल दिया गया। कई हमलों में अप्रवासी और मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मुसलमानों को जिस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, वो सिर्फ एक अफवाह की वजह से हुआ। और ब्रिटेन में एक अफवाह ने काफी खतरनाक रूप ले लिया। खबर के मुताबिक ब्रिटेन के साउथपोर्ट चाकूबाजी की घटना में 3 लड़कियों की मौत के बाद ऑनलाइन झूठी अफवाह फैलाई गई कि हिंसा करने वाला युवक मुस्लिम अप्रवासी था, जिससे देश में दक्षिण पंथियों में गुस्सा भड़क गया। इसके बाद धूर दक्षिण पंथियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो देखते देखते हिंसा का रूप ले गया। उत्तरी इंग्लैंड में शरण चाहने वालों को शरण देने के लिए इस्तेमाल किए गए होटलों में आग लगा दी गई और तोड़फोड़ की गई। ब्रिटेन के लोगों ने जमकर दुकानों में उत्पात मचाया और तो और मुसलमानों के घर को आग भी लगा दी गई। और इस वक्त ब्रिटेन अपने 13 सालों में सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। इस वक्त भी लंदन में हजारों की संख्या में लोग पीएम आवास के सामने इकट्ठा हुए हैं और हमारे बच्चों को बचाओ, हमें अपना देश वापस चाहिए और प्रवासी को रोको जैसे नारे लगा रहे हैं। फिलहाल ब्रिटेन में मुसलमानों और प्रवासियों के खिलाफ भड़की हिंसा भी जारी है। पुलिस इस हिंसा को काबू करने के लिए अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी तक ये शांत नहीं हो पाया। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर ने चरमपंथी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने हिंसा रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने हिंसा रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है और पुलिस को कहा है कि सरकार का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। वहीं ब्रिटेन में मुस्लिम विरोधी घटनाओं पर नजर रखने वाले समूहों ने दावा किया कि मुसलमानों द्वारा अपने सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है और मुसलमान डर रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर कुछ लोग स्थानीय मस्जिदों में जाने से भी डर रहे हैं और इस वक्त भी ब्रिटेन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं, जिसमें भीड़ मिलकर पुलिस की गाड़ी को पलट देती है, डबल डेकर बस को आग के हवाले कर देती है, सैकड़ों दंगाई मास्क पहनकर हिंसा करने लगते हैं। सोशल मीडिया फुटेज में सैकड़ों लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं, जिसमें कुछ लोगों की ओर से सार्वजनिक परिवहन वाहनों को आग लगाने का प्रयास किया जाता है। यानी दंगा ही दंगा इस वक्त ब्रिटेन की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल माना जाने वाला ब्रिटेन आज दंगों की आग में जल रहा है। ब्रिटेन की मशहूर पुलिस दंगाइयों के सामने बेबस है। पूरी कोशिश के बाद भी कई इलाकों में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये आग अभी तो कुछ शहरों तक ही सीमित है, लेकिन जल्द ही पूरे ब्रिटेन को अपनी चपेट में ले लेगी। ब्रिटेन की सरकारें भारत और दूसरे देशों को सांप्रदायिक मामलों पर ज्ञान दिया करती थी, आज उसी ब्रिटेन में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। ब्रिटेन के मूल निवासी अब कट्टरपंथियों से इतने परेशान हैं कि उन्हें ब्रिटेन से बाहर भेजने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। बाकायदा रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें इस्लाम विरोधी नारे लग रहे हैं, यानी मुसलमानों के खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। ब्रिटेन की आबादी में फिलहाल 6.5% मुस्लिम आबादी है, जो पिछले 10 साल के मुकाबले 3% से ज्यादा बढ़ी है। यूरोपीय देशों में पहले से ही मुस्लिम आबादी बढ़ी है और अब फ्रांस की तरह ही ब्रिटेन में भी मुस्लिम समुदाय और मूल निवासियों के बीच तनाव बढ़ रहा है। ब्रिटेन में फिलहाल लेबर पार्टी सत्ता में है, जिसकी नीतियां शरणार्थियों के लिए बेहद अच्छी हैं, यानी मुसलमानों के लिए। लिहाजा ब्रिटेन में शरणार्थियों की संख्या में और इजाफा हो सकता है और ब्रिटिश लोगों के साथ तकरार और बढ़ सकती है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन ब्रिटेन में हालात बेकाबू हैं और मुसलमानों को मारने के लिए लोग सड़कों पर हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए शीर्ष भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।